नमस्कार। आज हम जो देखने वाले हैं वो फ्रैंक मार्शल, जो कि यूएस के एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे। एक टाइम पे 1909 से लेकर 1936 तक वो यूएस चैंपियन रहे थे, और सुपर लेवल पे उनका एक वर्चस्व था एक टाइम पे, राइट। और अगर हम इस ट्रैप की बात करें तो पहला गेम जो हुआ था वो उन्होंने खेला था जेनोवस्की के अगेंस्ट। जेनोवस्की भी उस वक्त एक बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, तो एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था। और खासकर जब मैं सर्च कर रहा था कि और क्या क्या हुआ है इस ट्रैप में या इस ओपनिंग में, कौन कौन और जिनको प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उनमें मुझे एक जो बड़ा नाम दिखा वो चैपरिनो था। चैपरिनो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर थे, हालांकि वो उस गेम में जीत गए थे, लेकिन फिर भी वो ओपोनेंट की मिस्टेक के कारण हुआ था। बाद में वो ट्रैप में फंस गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके ओपोनेंट ने उतना अच्छा नहीं खेला। तो डायरेक्टली हम लोग जाते हैं अभी उस ट्रैप की तरफ। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि जेनोवस्की के साथ ये जो गेम हुआ था उनका, फ्रैंक मार्शल का ये पिक है। और इसके अलावा मैंने एक्चुअली कुछ और आइडियाज दिखाए थे, ट्रिक्स इन कारो कान, जो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना था, तो आप वो भी देख सकते हो। और अब हम जाते हैं डायरेक्टली गेम की तरफ। जो गेम स्टार्ट हुआ वो पेट्रोफ डिफेंस, या फिर आप रशियन डिफेंस के नाम से भी इस ओपनिंग को जान सकते हो। रशियन डिफेंस बहुत लोग यूज करते हैं, कुछ पार्ट्स में, हर हर पार्ट में अलग अलग नाम होते हैं बहुत बार, बट जनरली ये दो नाम बहुत फेमस हैं, पेट्रोफ और रशियन। अगर हम गेम की बात करें तो यहाँ पर e4 e5, Nt2 f3, Nf6, Ne5 d6, Nf3। अब ऑब्वियसली ये ओपनिंग के बहुत ही कॉमन मूव्स हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Ne4 मारा यहाँ पे, d4 जो कि मेन लाइन है पेट्रोफ डिफेंस का, d5 बिशप d3 बिशप टू d6। हालांकि बिशप d6 के अलावा जो दूसरा मेन लाइन है वो एक्चुअली नाइट c6 खेलते हैं, जिसमें विश्वानंद के भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं। और बाद में उसको आप बिशप e7 पे रख सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि bd6 पे रखें। हालांकि इस ट्रैप में जो है वो बिशप d6 खेलते हैं, कैसल कैसल एंड c4। अभी यहाँ तक की बात अगर हम करें तो एक्चुअली जो मेन लाइन है, जो ज़्यादातर गेम्स होते हैं वो c6 पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरीका है खेलने का, जो कि मुझे लगता है जब ये गेम हुआ था मार्शल और जेनोवस्की के बीच 1912 में, तब उस वक्त इतने कंप्यूटर्स नहीं थे और बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल नहीं था, और आपको एनालिसिस करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग इंजन्स अवेलेबल नहीं थे। तब उनके पास जो एक बात रहती थी वो रहती थी उनकी ओरिजिनलिटी, राइट। तो आप उतना परफेक्शन के साथ नहीं खेल सकते थे, लेकिन चेस में एक मैजिक था उस वक्त, राइट। तो bg4 खेला यहाँ पे मार्शल ने, सी कट d5 f5। अब यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने एक पॉन सैक्रिफाइस दिया है, और ब्लैक जो है वो किंग साइड एक्टिविटी के लिए जा रहा है, किंग साइड अटैक के लिए जा रहा है। क्वीन हमेशा आ सकता है यहाँ पे, जब भी f3 पॉन नाइट यहाँ से रिमूव होगा। Rf6 Rh6 जैसे आइडियाज हैं, इवन Rg6 जैसे आइडियाज हैं, और खासकर e4 अभी प्रोटेक्टेड है, मतलब आप मार नहीं सकते इसको। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली जो मेन लाइन है दैट इज h3 Bh5 एंड Nc3, ये खेलना चाहिए जनरली। लेकिन f5 के बाद जो जेनोवस्की है उन्होंने Re1 खेला, और यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज करिए, देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लैक से इतना आसान नहीं था ये सब जज करना। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने वो टैक्टिक्स देखा, और मार्शल एक वक्त बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर थे, क्योंकि उनके नाम से शायद आपको याद भी हो कि ओपनिंग में रॉयल लोपेज में एक वेरिएशन भी आता है मार्शल अटैक, तो उनके नाम पर ही है, वो भी उन्होंने इन्वेंट किया था। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट आया, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर, मुझे याद है। सो Re1 में यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप इंटू h2, ये बहुत ही बढ़िया शॉट है, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए बिशप इंटू h2 को नाइट इंटू तो नहीं मार सकते हो आप, सिंपली क्वीन मर रहा है, अगर हम देखें नाइट इंटू तो सिंपली क्वीन मर रहा है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। सो किंग इंटू h2 मारा व्हाइट ने यहाँ पे, नाइट कट f2। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मेनली जो फॉलो अप है वो शायद बिशप इंटू f3, क्वीन h4, यहाँ पे रूक f6 ऐसे कुछ होने वाला है, लेकिन नाइट इंटू f2 के बाद आपको जो मिले हैं वो दो पॉन मिले और किंग थोड़ा सा खराब है। ये सेम टू सेम ताल का स्टाइल है, खैर ताल के गेम्स में आपको ऐसा ही ज़्यादातर देखने मिलेगा, जहाँ पे वो थोड़ा सा मटेरियल देके किंग का पोजिशन अनकम्फर्टेबल कर लेते थे। और उस एक पार्ट में उन्होंने मुझे लगता है PhD कर लिया था कि कैसे किंग को प्रॉब्लम क्रिएट करके और ओपोनेंट को परेशान किया जाए। और क्योंकि ह्यूमन प्लेयर्स इतने ज़्यादा अच्छे डिफेंडर्स नहीं होते हैं, तो वो बराबर उनको पकड़ लेते थे, राइट। तो उनका एक जो फ्लैशी स्टाइल था, उनका जो एक अभूतपूर्व एकदम चमत्कारिक स्टाइल था ताल का, वो शायद ही किसी को समझ पाया उस वक्त उस दौरान। आजकल की बात थोड़ी अलग है,
तो हम लोग डायरेक्टली गेम की तरफ जाते हैं। नाइट एफ टू मारा, क्वीन ई टू, नाइट इंटू डी थ्री। अब यहाँ पे नाइट इंटू डी थ्री में अगर आप क्वीन इंटू डी थ्री मारते हो तो सिंपली यहाँ पे बिशप इंटू एफ थ्री आ रहा है, जी क्वीन इंटू एफ थ्री एंड क्वीन एच फोर। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चेक है और इवन मर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पूरे प्रॉब्लम के कारण ही रुक इवन नहीं खेलते हैं। तो अगर आप पेट्रोफ खेलते हो या आप अगर पेट्रोफ के अगेंस्ट खेलते हो तो डेफिनेटली ऐसे आइडियाज आपको पता होने चाहिए कि क्या गलत है उधर, राइट। तो उससे बहुत बड़ा बड़ा फायदा होता है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है। आप फास्ट खेलते हो, आपका गेम में आपको और जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती जाती है, राइट। सो उसको देखते हुए नाइट इंटू डी थ्री को व्हाइट ने खेला क्वीन ई सिक्स चेक जनवस की, राइट। यहाँ पे खेला उन्होंने किंग टू एच एक, बिशप टू जी फाइव एंड क्वीन डी सिक्स चेक। अब यहाँ पे एक्चुअली आप देखिए यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज हो गया है, क्वीन इन टू डी सिक्स, सी इन टू डी सिक्स एंड रुक ई सेवन। लेकिन इस वक्त जो है उनका पोजीशन बहुत अच्छा लग रहा है ऑलरेडी। अब देखिए कि पॉन्स का पोजीशन देखिए, एच टू पे पॉन नहीं है, एफ टू पे पॉन नहीं है, पीसेस अभी भी इक्वल है, ये दोनों पॉन वीक लग रहे हैं फिलहाल, राइट। और बी टू भी मर रहा है तो, और किंग का पोजीशन भी इतना अच्छा नहीं है। व्हाइट का किंग, ब्लैक का किंग थोड़ा सेफ लग रहा है। एक बार नाइट अगर रिमूव निकल जाता है तो मुझे लगता है ये पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक को बहुत ज्यादा फेवर कर रही है। एफ फोर खेला था यहाँ पे, नाइट सी थ्री एंड सॉरी नाइट डी सेवन। यहाँ पे आप देखिए कि एफ फोर का जो आइडिया था वो मेनली यही था कि डी सेवन नाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और कुछ मूव्स बाद अराउंड 35 मूव्स पे ये गेम फिनिश हुआ था, जो कि मार्शल ने जीत लिया था बहुत ही कंफर्टेबली, राइट। लेकिन अगर हम बात करें, मैं ये गेम यही छोड़ रहा हूँ बिकॉज हमारा मेन एम था वो जो आइडिया, जो मिस्टेक था, जो आइडिया था वो देखना, ना कि हम पूरे गेम का एनालिसिस करें। अब हम जाते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा गेम हुआ था इसमें चैपेरिनो का, वो हुआ था 2004 में। आप सोचिए इतना, इतने साल बाद फिर से कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर उस ट्रैप में आ जाता है। हालांकि एक दुखद बात रही इसमें ब्लैक के लिए कि एक्चुअली व्हाइट ये गेम जीत गया था, क्योंकि ब्लैक को उतना अच्छा फॉलोअप बाद में करने नहीं आया। तो हम वो भी गेम देख लेते हैं कि एक्चुअली जहाँ पे सी इन टू डी सिक्स मारा था 15th मूव पे, वहां पे रुक ई सेवन जहाँ पे खेला उन्होंने, तो एक्चुअली यहाँ पे जो है रुक ई सिक्स खेला था व्हाइट ने उस गेम में चपारिनो ने, एफ फोर रुक इन टू डी सिक्स एंड एच सिक्स। अब ये देखिए कि यहाँ पे एक्चुअली एच सिक्स की जगह जो मार्शल ने किया था कि एफ फोर पॉन पुश करके और सिंपली नाइट को रिमूव कर लिया था वहां पे डी सेवन पे, ये बहुत ही बढ़िया हुआ था उनके लिए, राइट। एफ फोर और नाइट डी सेवन। हालांकि इस गेम में उन्होंने किया कि एच सिक्स खेला व्हाइट ने, बिशप ब्लैक ने सॉरी, बिशप एच फोर, बिशप इन टू एफ थ्री, ये गेम का बहुत बड़ा मिस्टेक था। और यहाँ से उनका गेम धीरे धीरे जो है उनके कंट्रोल से चलता गया, क्योंकि वो उस बिशप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस पोजीशन में, खासकर पॉन फॉर्मेशन भी वो सही लग रहा है ब्लैक के लिए फिलहाल। और नाइट डी सेवन सबसे मेन मूव उसके भरोसे आ रही थी, लेकिन ये पहली मिस्टेक किया उन्होंने। हालांकि नाइट डी सेवन बहुत विनिंग था, जी कट एफ थ्री एंड देन नाइट बी टू, ये और एक मिस्टेक कर दिया। और उन्होंने कम्प्लीटली मिस आउट कर दिया कि जो मटेरियल मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है उनको मारने के अलावा जरूरी ये था कि मैं पीसेस डेवलप करूं और स्पॉन को रोकूं, ताकि ये ऐसा ना हो कि ये जो वीकनेस थे पहले वो अब उसका वाइट का असेट बन जाए, राइट। तो ये मेजर मिस्टेक्स किया था चेपारिनो के गेम में, इसीलिए वो ब्लैक जो इसमें हारा था। अदरवाइज ब्लैक बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें, बिशप इनटू एच टू अगर एक बार आ जाता है रुक इवन के बाद तो मुझे लगता है ब्लैक जीतना ही चाहिए उस पोजीशन में, अगर आप थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा केयरफुल चेस खेलते हो तो, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज है ट्रैप्स इन चेस वो पसंद आ रही होंगी। और उसके अलावा भी जो मैंने किया अटैकिंग आइडियाज इन चेस, या फिर हमने कुछ डीप एनालिसिस किए हैं, तो वो सब भी आप चेक करिए। अगर आपको कुछ सजेशन है तो डेफिनेटली मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूंगा। मुझे अभी तक बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो मुझे और अच्छा लगता है कि चलो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसको मैं एटलीस्ट चेस नॉलेज शेयर करने के लिए दे रहा हूँ, राइट। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।